सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है गोदावरी हॉस्पिटल जो मोहन सिनेमा हॉल के पीछे स्थित है। यहाँ चिकित्सक ने एक मरीज का गुप्तांग काट दिया। मामला छोटा सा था कि मरीज की पेशाब में करने में दिक्कत हो रही थी। शुक्रवार की रात उसने यहाँ भर्ती लिया। भर्ती में चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि लगभग 30,000 रुपये खर्च आएंगे, जिसमें मरीज के द्वारा 10,000 रुपये एडवांस दिया गया, बाकी ऑपरेशन के बाद देने की बातें कही गई। शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। शनिवार की सुबह जब मरीज बाथरूम में पेशाब के लिए गया तो देखा कि उसका गुप्तांग कटा हुआ है। तब उसने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन जब यहां पहुंचे, हो हल्ला करने लगे, तब तक चिकित्सक व कर्मी तमाम इस अस्पताल में तालेबंदी कर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित के द्वारा इसकी सूचना थाने को भी दी गई। थाने की बात माने, अगर शहर थाना प्रभारी की बात माने तो उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल बता दे, इतनी बड़ी लापरवाही चिकित्सक के द्वारा बरती गई। मामला लेस्लीगंज से जुड़ा हुआ है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के व्यक्ति था जिसे ये पेशाब में दिक्कत हो रही थी करने में। उसने यहाँ जो गोदावरी हॉस्पिटल में अपना इलाज के लिए आया। शुक्रवार की ही सुबह उसने भर्ती हुआ और शुक्रवार की रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद अस्पताल कर्मी व चिकित्सकों के द्वारा उसके परिजनों को काफ़ी प्रलोभन दिया गया। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए कि किसी तरह मैनेज हो, लेकिन परिजन नहीं माने, चूँकि उनके साथ एक बड़ी घटना घट चुकी थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है और यहाँ से तमाम लोग जो है फरार हो चुके हैं। अब मामले को लेकर के थाना प्रभारी अभी ने थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है बातें कही है, जो ये कही है कि अभी कार्रवाई में समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में जो जो इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये गोदावरी हॉस्पिटल जो थाना शहर मोहन सिंह हॉल के पीछे स्थित है, ये एक तरह से यहाँ पर डॉक्टर आर के वर्मा, जनरल फिजिशियन अमिताभ कुमारी, कई स्त्री रोग विशेषज्ञ का नाम लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल में ये हॉस्पिटल अभी फिलहाल बंद है, तालेबंदी की गई है और मामला संगीन होने के कारण यहाँ से तमाम कर्मी और चिकित्सक फिलहाल फरार है। अब देखना है कि पुलिस की कार्रवाई और इनके शिकायत, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस अस्पताल पर क्या कार्रवाई होना अभी बाकी है। फिलहाल लेकिन जिस तरह से चिकित्सकों ने लापरवाही बरती है, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कैमरामैन सोमू के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ डाल्टन।